बहुत कुछ टूटा है, कुछ विश्वास टूटा है, अनेक लोगों की, वॉलंटियर्स की, समर्थकों की आशाएं टूटी हैं, लेकिन एक बड़ी बात है, ये देश की एकमात्र पार्टी है जिसमें आज भी आंतरिक लोकतंत्र के सवाल पे चर्चा हो रही है। हमने कहा है कि इस पार्टी पे जो तीन चार बड़े बड़े आरोप लगे हैं, 2 करोड़ के चेक वाला था, उत्तम नगर में शराब के स्टॉक वाला मामला था, विधि मंत्री की डिग्री का मामला था, और दिल्ली में पार्टियों की तोड़फोड़ करके सरकार बनाने वाला मामला। हमने कहा कि बाकी सब पार्टियां क्या करती हैं, ये सवाल उठ जाते हैं, पार्टियां सोती रहती हैं, कहती हैं अदालत 10 साल में फैसला देगी तब देखेंगे। आम आदमी पार्टी ये नहीं करती। हमने न्यूनतम से न्यूनतम कहा कि पार्टी अपने ही आंतरिक लोकपाल से इसकी जांच करवाए, वॉलंटियर की बात सुनो, वॉलंटियर को उस तरह से आप ट्रीट नहीं कर सकते जैसे कांग्रेस और बीजेपी अपने वॉलंटियर को, वर्कर को ट्रीट करते हैं। वॉलंटियर की आवाज की इज्जत होनी चाहिए और पार्टी के बड़े निर्णय में वॉलंटियर को अपनी आवाज वोट के जरिए दर्ज करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे बाद में उसकी बात मानी जाए ना मानी, शायद हमारे साथी समझते नहीं है। एक कंडीशनल ऑफर टू रिजाइन, यदि ये हो जाएगा तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, और ये कहना कि ये मेरा त्याग पत्र दीजिए इसे स्वीकार कीजिए, इन दो में बहुत अंतर है।